नाटक पे आउट विराट का नहीं, रोहित का बोल रहा था मैंने। कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत सारी बधाई हो, मुबारक हो भाई। और माशाल्लाह भाई, शमी भाई माशाल्लाह भाई, आपने इंग्लैंड के क्रिकेट का करियर ही खत्म कर दिया भाई। अगर मैं कहूं कि ये टीम इस वर्ल्ड कप के अंदर हर टीम की बाप है तो गलत नहीं होगा। इस तरह की बॉलिंग पिच थी, रोहित शर्मा को दाद देनी पड़ेगी जिस तरह वो बैटिंग की उसने, जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने की। इनके जो बॉलर्स हैं, लास्ट टाइम कहीं ना कहीं पे लग रहा था कि शायद हार्दिक पांड्या वाली कमी ये शामी ना पूरी कर पाए, लेकिन उसने उससे भी ज्यादा अच्छा खेला है। इंडिया फाइनल में भी पहुंच चुका है और फाइनल का कप भी जीत चुका है। अच्छा। आपका सवाल ये होना चाहिए था, क्योंकि जिस लेवल का वो होमवर्क करके आए हुए हैं ना, जिस लेवल की उनकी स्ट्रेटजी है, जिस लेवल की उनकी मैनेजमेंट है, वो दिखता है कि भाई वो कुछ करके आए हैं, वो मेहनत करके आए हैं। इंडिया इस वक्त असल में फॉर्म है, असल में इंडिया अपने होम पिचेस पे खेल रहे हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस है। लाइक वो चौथा पांचवा मैच जो है लगातार छठा जीत रहे हैं, तो वो जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनके पास बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, उनके जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद शामी है, मोहम्मद सिराज, एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप है। मेरे दिल पे खंजर नहीं चलेंगे, मैं तो कहता हूँ डिजर्व करता है हिंदुस्तान जैसा खेल उन्होंने खेला है। आज देखें 229 पे आउट हुए हैं और डिफेंड कैसे कर रहे हैं वो, उनकी बॉलिंग देखें, उनकी फील्डिंग देखें, वो हर फील्ड में परफेक्ट नजर आ रहे हैं। वो डिजर्व करते हैं, मैं तो कहता हूँ वो डिजर्व करते हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं, जो अच्छा खेलता है वो डिजर्व करता है। नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच हुए मैच में इंडिया को 100 रनों से शानदार जीत मिली है। दोस्तों, शमी और बुमराह की तूफानी गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाज को हिलने का मौका तक नहीं दिया और 34 ओवर में खेल खत्म कर दिया। तो दोस्तों, भारत की छठी जीत पर सारे भारतीयों को ढेर सारी बधाई। अब बात करें पाकिस्तान की, तो दोस्तों कभी खुशी कभी गम वाली बात, किसी को खुशी है तो किसी को गम। तो पहले चलिए वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं वीडियो के बाद में। इंडिया का ही वर्ल्ड कप है ये, 100% उनका। पाकिस्तान की टीम देख लें आप, पाकिस्तान की टीम ये है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं ना वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे वहाँ पर। ये नहीं है कि पाकिस्तानी, ये आप इंग्लैंड के देख रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर हैं वो, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये बस कुछ उन्होंने विकटें अपने हिसाब से बनाई हुई हैं। इंडियन बैट उधर खेलते हैं, IPL खेलते हैं, सब खेलते हैं, वो इस वजह से वो वहाँ पर अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं। और इंडिया अपने घर में बहुत बड़ी टीम है, इंडिया को अपने घर में हराना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, मतलब कहीं और हराना मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है। श्रीलंका में एशिया कप जब हुआ था तो पाकिस्तान ने हराया उसको, लेकिन वो हो जाता है कभी। पाकिस्तान तो नहीं ना हरा, पाकिस्तान नहीं हरा पाए, क्या वजूहत है? पाकिस्तान कहीं जाके भी नहीं मार का के आ रहा है। पाकिस्तान हरा देता, अब दुबई में हराए हैं उसको, ये 2020 वर्ल्ड कप फेक, वर्ल्ड कप में सिर्फ फेक, वो भी पता नहीं किस्मत कैसे साथ है। पाकिस्तान इंडिया का प्रेशर भी लेता है, इस वजह से नहीं जीत पा रहे। पाकिस्तान को लेते हैं, हिंदुस्तान की इतना चील रहता है? हिंदुस्तान की वो बैटिंग भी है, बॉलिंग अभी आप देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है उन्होंने बॉलिंग में भी। वो इंग्लैंड के में रखा 8 आउट कर दिए उन्होंने, 98। हाँ जी, तो वो बॉलिंग में भी क्लिक कर गए हैं आज, बैटिंग नहीं उनकी अगर आज क्लिक की तो, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। जो हाथ है पूरी टीम को देखें तो इंडिया का एक अगर ना चले तो दूसरा छक्के चलाने लग जाता है, तीसरा ना चले तो चौथा आ जाता है मारने के लिए। सर, पूरी टीम एक दूसरे को कैसे जोड़े रखती है? और हमारी टीम को देखें तो बाबर आजम की जो कैप्टनसी है उसके बाद अगर वो आउट हो जाए तो पूरी टीम ऐसे गिर जाती है, क्यों? हम अंडर प्रेशर हो जाते हैं कि बस एक गया, वो कहते हैं ना तू चल में आया, तो ये ऐसे हो जाता है। इंडियन आप देख लें, वो एक आउट होता है, या सूर्य कुमार यादव खड़ा हुआ था लास्ट तक, वो खड़ा रहा, उसने जितना हो सका स्कोर को आगे लेके गया। तो ये इंडियन प्लेयर जो हैं ना वो मेरे हिसाब से दलेर हैं। अच्छा। वो के आप क्या कहेंगे, वर्ल्ड कप इंडिया का है? अभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह रहे हैं। इंडिया के आज मैंने रिकॉर्ड देख रहा था कि इंडिया 54 मैचेस में से ना सिर्फ 4 मैचेस हारा हुआ, वो भी नॉकआउट जाके हारा है, वो सेमीफाइनल में ये हार जाएंगे। इंडिया हार जाएगा, अक्सर हार जाता है, और आज इस दफा भी हार भाई। शमी भाई माशाल्लाह भाई, आपने इंग्लैंड के क्रिकेट का करियर ही खत्म कर दिया भाई। आपने बटलर मटलर बटर चीज माइनीज कैचअप सबको जो है हड्डियां तोड़ दी आपने, जबरदस्त भाई, अनबिलीवेबल। बहुत सारे जो है वो पाकिस्तान से बड़े अपने आप को क्रिकेट के एक्सपर्ट बता के बैठे हुए भाई, 25% चांसेस है हिंदुस्तान के जीतने के। इंग्लैंड के ये जो मलान है, ये रूट है, ये IPL खेलते हैं, एक्सपीरियंस ज्यादा है, ये मारेंगे, ये पावर प्ले में 100 बना के जाएंगे, घंटा मेरा बना के जाएंगे। तब भी बोल रहा था जब हिंदुस्तान की बैटिंग खत्म हुई, बीच में भी पूरा मैच लाइव था, मैं उस लाइव में लाइव प्रेडिक्शन कर रहा था कि भाई कौन से प्लेयर को कौन सा
बॉलर आउट करेगा, जाके वो मेरा लाइव चेक करें कि भाई शमी के 4 आवर पहले बोला था भाई ये विकेट शमी लेगा, उसके बाद से बोल रहा था जडेजा लेगा वो विकेट, हर एक प्रेडिक्शन हमारा सही निकला है। ये टीम तो 110-120 पे टीम सारी क्लियर हो जाएगी इंग्लैंड की, जो भारत ने उनका हाल कर दिया हुआ है। अभी 68 पे मैं मैच छोड़ के आया हूँ, 68 पे 4 आउट थे उनके, ये तो इम्पॉसिबल है इंग्लैंड के लिए, अब भारत को चेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। रोहित शर्मा की तारीफें हो रही है, सूर्य कुमार यादव की तारीफें हो रही है, मतलब लाजवाब से भी लाजवाब। से एक प्लेयर बैठा हुआ इंडिया का जो एक दूसरे का हक अदा कर जाता है, ठीक है विराट कोहली बायलक नहीं चल पाए, लेकिन जो रोहित शर्मा थे उन्होंने इनकी कमी पूरी कर दी, वो एक कैप्टन होने का भी उन्होंने पूरा हक अदा किया जी, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाई है, 80 से ऊपर किया उन्होंने स्कोर, ठीक है। दूसरी बात सूर्य कुमार यादव की बात की जाए तो वो तो उसकी तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है उनके लिए। इसको कहते हैं कि जी टीम के लिए खेलना, अपनी कंट्री के लिए खेलना, ना कि अपनी रैंकिंग के लिए खेलना। 47 पे 49, वो चाहता तो बाबर की तरह 20 बोले रिजर्व जाया करके भी अपनी हाफ सेंचुरी के 2 स्कोर पूरे कर लेता, लेकिन उसने नहीं, उसने टीम को ज़्यादा प्रेफर दी, उसने अपनी टीम का स्कोर ज़्यादा प्रेफर किया, वो करके अच्छा स्कोर करके चला गया। दूसरी बात हमारे इनके जो बॉलर्स हैं, लास्ट टाइम कहीं ना कहीं पे लग रहा था कि शायद हार्दिक पांड्या वाली कमी ये शामी ना पूरी कर पाए, लेकिन उसने उससे भी ज़्यादा अच्छा खेला है, 2 विकेट्स इस मैच में ली, लास्ट मैच में 4 विकेटें ली शामी ने। और अब बुमराह तो फिर उनका एक लेवल है, बुमराह के लेवल का कोई उनके पास प्लेयर ही नहीं, बॉलर ही नहीं है, बुमराह का एक अपना ही लेवल है, ठीक है। बुमराह ने भी अच्छी विकेटें ली है, उम्मीद है इंडिया फाइनल भी खेलेगा और फाइनल जीतेगा भी। आप कह रहे हैं कि उम्मीद है, लेकिन लोग तो उम्मीद से पहले ही इंडिया को वर्ल्ड कप दिलवा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम तो 100%, मुझे आप कहें ना पॉइंट से कितने परसेंट इंडिया का वर्ल्ड कप है, मैं तो 99.9 दूंगा, मुझे तो पता है इंडिया ले चुका है वर्ल्ड कप। अभी यहाँ पे स्टूडियो में एक बंदा बैठा हुआ है, सामने रिजवान भाई, अब्दुल्ला भाई भी इनके साथ एक और बंदा बैठा हुआ है, रुहेल उनका नाम है, अक्सर लाइव में भी आते हैं। बैठे बैठे उन्होंने बात की, जब कुलदीप यादव ने बटलर को आउट किया उस टाइम पर उन्होंने बात की कि यार ये रिएक्शन है उसका, मैं बता रहा हूँ यार ये इंडिया कैसे वर्ल्ड कप हारेगी मुझे कोई ये बता दो, लिटरली वो ये कह रहा था सर पकड़ के, ये इंडिया कैसे वर्ल्ड कप हारेगी, ये नहीं हार सकते, कोई बहुत ही अनलकी वर्ष दिन होगा इंडिया के लिए कि कुछ हो जाए, अदरवाइज इंडिया वर्ल्ड कप हारता नजर नहीं आ रहा। वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं हार रहा, इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है, मतलब बल्कि वो सबको उन्होंने बता दिया है। क्या बोलिंग है, कोई एक वीक बॉल इस टीम का दिखा दे कोई मुझे, आप हंस रहे हो सामने बैठे हुए, मैं लाइव में जाके बहस कर लेंगे ना इसके ऊपर, लाइव में जाके बहस कर लेंगे, इसी में बहस करेंगे वीक पोल के ऊपर। अब हिंदुस्तान ले गया तो पाकिस्तानियों के दिल पे कैसे खंजर चलेंगे? मेरे दिल पे खंजर नहीं चलेंगे, मैं तो कहता हूँ डिजर्व करता है हिंदुस्तान जैसा खेल उन्होंने खेला है। आज देखें 229 पे आउट हुए हैं और डिफेंड कैसे कर रहे हैं वो, उनकी बॉलिंग देखें, उनकी फील्डिंग देखें, वो हर फील्ड में परफेक्ट नजर आ रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं, मैं तो कहता हूँ वो डिजर्व करते हैं। इंडिया फाइनल में भी पहुंच चुका है और फाइनल का कप भी जीत चुका है। अच्छा। आपका सवाल ये होना चाहिए था, क्योंकि जिस लेवल का वो होमवर्क करके आए हुए हैं ना, जिस लेवल की उनकी स्ट्रेटजी है, जिस लेवल की उनकी मैनेजमेंट है, वो दिखता है कि भाई वो कुछ करके आए हैं, वो मेहनत करके आए हैं। इंडिया इस वक्त असल में फॉर्म है, असल में इंडिया अपने होम पिचेस पे खेल रहे हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस है, लाइक वो 4th-5th मैच जो है लगातार 6th जीत रहे हैं, तो वो जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पास बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, उनके जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप है, अच्छा उनके पास अटैक है। ऑब्वियसली बात है इंडिया जो है ना वो वेल डिजर्व्ड है, इवन जितने भी जो लोग जो है ना वो कह रहे थे कि भाई जो है ना वो 4 टीमें जो फेवरेट मोस्ट फेवरेट टीमें थी उनमें इंडिया का नाम जो है ना वो सबसे पहले जो है ना वो लिया जा रहा था, ठीक है। सो उसी तरह से आप ये देखें कि उनकी अभी तक जो है ना वो कंसेक्यूटिव जो है ना वो विक्ट्रीज चल रही हैं, उनका एक भी उन्होंने मैच जो है ना वो अभी तक जो है ना वो नहीं हारा है। विराट कोहली ने अपने मरे हुए बाप को, अपने डेड फादर को छोड़ा घर में और वो मैच खेलने के लिए गया, और उस मैच के अंदर उसने सेंचुरी बनाई। सेंचुरी बनाने के बाद वो वापस आया, उसने आगे जो भी उनका ट्रेंड होता है, जो भी सारा का सारा कुछ उसको दफन वगैरह बरी वगैरह किया, तो वो सारा का सारा कुछ किया उसने, इस लेवल का मैडम सेक्रीफाइस किया है, तो विराट कोहली नंबर वन बैट्समैन क्यों ना हो। सेमीफाइनल में आप इंडिया के साथ और किन टीमों को देख रहे हैं? इंडिया के साथ पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। फिर पाकिस्तान? हाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएगा ना। कैसे जाएगा? करिश्मे के साथ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखे होंगे, अभी आपने देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम खुश है। तो दोस्तों जिस तरह ये लोग बाबर शाहीन को सर पे चढ़ाए हुए थे,
उनका बाबर शाहिन कोई काम नहीं आया। जो घमंड करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते हैं। ये लोग मैच नहीं, इंडिया से जंग करने आए थे, कर लिए जंग। दोस्तों, ये लोगों के पास खुशी तो है, लेकिन खुशी से ज़्यादा मन में गम भरा हुआ है, क्योंकि उनका टीम अच्छा से खेल नहीं पाई और वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।